मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। नींद बराबर नहीं आती, नींद बराबर नहीं आती है तो इसका माने एक ही आप जान लीजिए कि आपके शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ी हुई है, तो अच्छी नींद कभी नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय मैंने बताया था, रात को गाय का घी हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सोए। गाय का घी हल्का गर्म करके, जब वो तरल हो जाए उतना ही गर्म करें और एक एक बूंद दोनों नाक में डालें और हल्के से खींचें, ज्यादा तेज नहीं, बस इतना इतना करेंगे अंदर चला जाएगा। बहुत खींचने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे चला जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जा सकता है। तो हल्का खींचकर छोड़ दें और सो जाएं, भूल जाएं, फिर नींद बहुत अच्छी आएगी, खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, स्नोरिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नींद के समय जो खराब खराब सपने आ रहे हैं वो सपने कभी आएंगे नहीं, अच्छे ही सपने आएंगे जब भी आएंगे। रात में नींद कभी खुलेगी नहीं, 6 घंटे के पहले आप उठेंगे नहीं, कम से कम रात की नींद खुलने का एक वो तकलीफ आ गया ना, पेशाब आती है, नींद खुल जाती है, घी डाल के सोएंगे तो रात को नींद कभी नहीं खुलेगी, 6, 6.5, 7 घंटे के बाद ही खुल। और बच्चों को तो जरूर करें, इससे और एक फायदा होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें, मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं, फिर दोहराऊं। आपको सबसे अच्छा आसान उपाय मैं बता रहा हूं वो ये, जिनको भी डार्क सर्किल है, सवेरे उठें, सबसे पहला जो आपका थूक है, मुंह का लार है, इसको आंखों के नीचे लगा के मालिश करें, हल्की हल्की मालिश करें, आपके सारे डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। और ये जो सुबह का मुंह का लार है, इससे आप अपने त्वचा रोग भी ठीक कर सकते हैं, खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, हर जगह इसको अप्लाई करें और हल्की हल्की मालिश करें। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।